फाइनली भाई अभी अभी भाई 777 चार्ली का ट्रेलर को रिलीज किया गया। यहाँ मैं तुम लोग को बता दूं ये फिल्म भाई एक पैन इंडिया लेवल की फिल्म है। मींस ये फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और साथ-साथ हिंदी में रिलीज होगा। और मजे की बात यह है मेकर्स ने भाई अपने ट्रेलर को पांचों लैंग्वेजेस में रिलीज किया है। तो यहाँ चार्ली के मेकर्स ने ये चीज करके भाई दिल जीत लिया। तो अक्सर हम लोग देखते हैं साउथ के फिल्म मेकर जब भी कोई फिल्म को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करते हैं, सबसे पहले वो लोग अपने लैंग्वेजेस के ट्रेलर को रिलीज करते हैं, देन उसके कुछ देर बाद, दो चार घंटे बाद या फिर एक आध दिन बाद हिंदी लैंग्वेज में भाई ट्रेलर को रिलीज करते हैं। सो ये चीजें यहाँ चार्ली के मेकर्स ने नहीं किया, ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा। सो अब बात करते हैं मैं ट्रेलर को लेके। ट्रेलर देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही आया ना भाई, यहाँ 777 चार्ली के मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती क्या है आगे हम लोग बात करेंगे, इसलिए भाई इस वीडियो को प्रॉपर तुम लोग लास्ट तक देखना। और अभी तक जो भी वाला चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लो यार, क्योंकि उससे तुम्हारा भाई को मोटिवेशन मिलता है मैन। सो बैक टू पॉइंट, आते हैं अपने 777 चार्ली के प्लस पॉइंट पे, फिर बाद में हम लोग वो बड़ी गलती पे बात करेंगे कि आखिर वो बड़ी गलती है क्या। तो यहाँ ट्रेलर का मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगा ये छोटा सा जो पपी दिखाया गया है ना, जो छोटा सा जो डॉगी है भाई, ओहो क्या प्यारा भाई एक्टिंग किया है। पपीज ने जिस तरीका से परफॉर्मेंस दिखाई है भाई ट्रेलर में, तो उससे देखे एक चीज तो क्लियर पता चल जा रहा है, बॉलीवुड के जो स्टार किड है ना भाई, उनसे कहीं ज्यादा बेहतरीन ये अपने पपीज ने भाई एक्टिंग किया। मजे की बात यह है ये छोटे से डॉगी की ना, ये पहली फिल्म में भाई इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है। और वहीं बात करें अपने स्टार किड लोगों की, स्टार किड लोगों को देखो भाई, पांच पांच दस दस फिल्म कर लिए फिर भी वो लोग एक्टिंग का ये नहीं पता। बट कोई नहीं, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे भाई 777 चार्ली के ट्रेलर पे। यार पपीज मुझे काफी ज्यादा सही लगा, और साथ साथ रक्षित सेट्टी को प्यार से हम लोग कंटेंट सेट्टी बुलाते हैं यार, क्योंकि ये भाई जब भी आते हैं कुछ ना कुछ चीजें लेके आते हैं। बेसिकली जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था ना, तो मुझे लग रहा था ये फिल्म एक जस्ट नॉर्मल स्टोरी पे भाई फिल्म बनने वाली है, क्योंकि टीजर जब भी रिलीज हुआ था वो वाला टीजर कुछ ज्यादा यूनिक नहीं लग रहा था। हाँ वो टीजर काफी ज्यादा प्यारा था, बट स्टोरी वाइज ये लग रहा था कि ये फिल्म ठीक ठाक होने वाली है। पर ट्रेलर में जिस तरीका से एक एक सीन को फिल्माया गया है वो मुझे काफी ज्यादा सही लगा है। ट्रेलर में भाई दिखाया गया है कि कुत्ता से भाई सब चीज करा जाता है, तो ये चीजों को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ा देती है यार। बट विजुअल की बात करें भाई, ट्रेलर में जिस तरीके से विजुअल को कैप्चर किया गया, ओहो फील देने वाला सारी चीज है यार। और उसके पीछे जैसे ही प्यारा सा वो मन को मोहने वाला जो बीजीएम बजता है भाई, अलग ही जोन में लेके चला जाता है। बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है, ये फिल्म के ट्रेलर में भाई मेकर्स ने पूरे स्टोरी को ही रिवील कर दिया है, पूरे के पूरे स्टोरी को रिवील कर दिया है। एक कैसे भाई एक पपीज होता है जो भागता है, फिर रक्षित सेट्टी से मिलता है, फिर ये रक्षित सेट्टी भाई उसको लेके घर पे आता है, फिर जो पपीज होता है रक्षित सेट्टी को काफी ज्यादा परेशान करता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पपीज और रक्षित सेट्टी की बॉन्डिंग भाई अच्छा होने लग, फिर रक्षित सेट्टी भाई ये छोटे वाले पपी से प्यार करने लगता है, क्योंकि भाई पपीज कुछ ऐसा कर देता है इस वजह से भाई रक्षित सेट्टी का दिल मतलब पिघल जाता है इस पपी को लेकर। लास्टली कैसे रक्षित सेट्टी डॉग वाले जो गेम नहीं होते हैं जिसमें डॉग को ट्रेन किया जाता है कि यहाँ से कुदकना है ऐसे निकलना, उस गेम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस गेम के लिए भाई ट्रेन करता है, फिर वो गेम भाई अपना छोटा सा डॉगी जीतता है, उसके बाद डॉगी लफाता हो जाता है। ट्रेलर देखकर तो यही पता चल रहा है। तो ये चीजें ना भाई इस फिल्म के ट्रेलर का मुझे काफी मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा यार। यहाँ मेकर्स को ना भाई स्टोरी को रिवील ही नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा चीजें ट्रेलर में करनी चाहिए जिसको लेके भाई लोगों के दिमाग में ना क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए, इस फिल्म को लेके लोग के अंदर एक्साइटमेंट बढ़े भाई कि आगे क्या होने वाला। बट फिल्म का ट्रेलर देखकर तो लग रहा है भाई एक ना एक बार तो भाई इस फिल्म को देखना बनता है थिएटर में यार, क्योंकि इतने प्यारी स्टार कास्ट है, इतना प्यारा डॉगी है, इतने प्यारे विजुअल है, और उसके साथ साथ इतने प्यारे भाई इसके बीजीएम है। इन सब चीजों को लेके भाई एक बार तो इस फिल्म को देखना बनता है यार। सो तुम लोग बताओ तुम लोग को इस पे क्या कहना है, तुम लोग को फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, अपना ओपिनियन तुम लोग कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।